हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था, अब से मेरा डेली व्लॉग आएंगे, और डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के जरूर आएंगे। तो मैंने की डिसाइड किया कि मैं अब से डेली व्लॉग मतलब बनाऊंगी, एक दो दिन छोड़ के बनाया करूंगी। बहुत जल्दी जल्दी मेरे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आज मैं जा रही हूँ मेरी बड़ी वाली ननंद के घर, जो कि उनका नाम है कोमल, कोमल दीदी के घर जा रहे हैं हम जा रहे हैं उनका सकरात का सीधा देने के लिए। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रख दी है, और ये मैं तैयार व्यार होने के बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर अभी नितेश गए हैं बाहर, गए वो बियर्ड शायद कराने, वैसे मुझे पता नहीं है कहाँ गए हैं, लेकिन गए वो बाहर ही हैं। तो मुझे यही अंदाज़ा है कि वो शायद बीएड कराने गए होंगे, बाकी उनको पता नहीं है कि मैं मतलब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। बिकॉज अभी सुबह तक कितना टाइम हो रहा है, 5:50 हो रहे हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं। मैं सुबह से आज उठी नहीं थी, क्योंकि बिकॉज मेरे को सर्वाइकल है, तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब जब सर्वाइकल का मुझे पेन होता है ना, तो मेरा पूरा सर और ये गुद्दी ना, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो इस वजह से मुझसे ना फिर उठा नहीं जाता, मतलब सर दर्द बहुत होता है, चक्कर टाइप्स हो जाते हैं, और ये चीज़ें गुद्दी और ये सब कुछ बहुत बैक बहुत दर्द करती है। गाइस, जिसको सर्वाइकल होगा वो सब मतलब वो सर्वाइव करता होगा इन सब सिचुएशन से, तो उनको पता होगा। तो इसीलिए मैं आज सुबह से उठी नहीं थी। नाश्ता भी मैंने ऊपर ही किया था, दीपू ने लाके दिया था, मम्मी ने बनाया था। तो जैसे कि मैं अब उठी हूँ, वो भी मैं अब इसीलिए मतलब थोड़ा उठी थी, ब्रश वगैरह की मैंने, कि निदेश ने कहा था कि 6 बजे डॉक्टर के पास चलेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम चला गया था डॉक्टर का, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। नितेश गए थे ज्वेलर्स के पास एक बार मिल डायमंड रिंग लेके, और अब मैं उठी हूँ, मैंने ब्रश वगैरह की, मैंने अपना रूम थोड़ा सा साफ़ किया, मतलब संगवाया थोड़ा सा बेडशीट वगैरह। और फिर इतने में ना मम्मी ने कहा कि नितेश तो वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा अकेले जा रहे हैं। फिर कोमल दीदी का कॉल आ गया कि तू भी आ जा, मतलब आप भी आ जाओ ऐसे करके, अकेले वो आएगा। फिर मैं और दीपू, फिर उन्होंने पापा के पास कॉल किया कि इनको भी भेज दो, मम्मी को भी बोला, तो अब हम जा रहे हैं। लेकिन नितेश को नहीं पता अभी तक कि हम भी जा रहे हैं उनके साथ, कभी वो मना ना कर दे कि चल अपने घर रहो, हम मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। हाँ दीपू, उसने उन्होंने कह दिया कौन लेके जा रहा है, हम तैयार व्यार होके खड़े, और वो बोल देगा कौन लेके जा रहा है, मैं नहीं लेके जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ। गाइस, कितनी बुरी बनेगी ना हमारे साथ। लेकिन देखो वैसे कभी भाभी साड़ी में रील्स बनेगी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। नहीं वैसे ऐसा है नहीं, अगर मैं तैयार हो जाऊंगा तो नितेश लेके जाएंगे, पापा बोल देंगे, मम्मी बोल देगी। अगर कोमल दीदी ने जैसे कहा है कि मैं तुम सबका खाना बना रही हूँ, मैंने सामान मंगवा लिया, तो तुम्हें अब आना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैं आज फिर से साड़ी पहनूंगी, ये देख सकते हैं आप, बाकी मैं आपको तैयार होकर दिखाती हूँ। चलो फिर मिलते हैं आपसे रेडी होके। गाइस, मिठू भाभी तैयार हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मिठू भाभी कैसी ऐसी लग रही है। हेलो गाइस, तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि ना बहुत मुश्किलों से बन रही है यार ये साड़ी, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली साड़ी बांध नहीं आती थी, मैं इतना पसंद भी नहीं करती, आपने देखा भी होगा। शादी से पहले भी मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी थी, वो पिंक वाली, वो ये नहीं है, वो दूसरी है, जो कि मेरे इंस्टा पे रील्स भी आपने देखी होंगी। बाकी मम्मी ने ही चढ़ाई थी, मतलब 3-4 साड़ियां ली थी मुझे, वही है मेरे पास, और ये उन्हीं में से एक है। और जो मैंने पहले पर्पल वाली बांधी थी वो भी मम्मी ने दी थी, और ये वाली भी मम्मी ने ही दी थी। बाकी ये है कि साड़ी बांधनी आती है कोमल दीदी को, वो अपने घर पे हैं, जिनके घर हम अभी जा रहे हैं, और वो साड़ी बांधने के लिए यहाँ नहीं आ सकती। और मम्मी को आती है काम चलाओ साड़ी बांधनी, जो मम्मी ने अभी बांधी है। और लेकिन मैं अभी हो रही हूँ मुझे कैसी बंधी है और कैसी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये उल्टी है या कुछ तरह होना चाहिए, इस तरह मुझे नहीं पता, बट ये ठीक है जैसे भी है। चलो वहां जाके दीदी से करा लेंगे, अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो। वैसे आप बताना कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ, ताकि मैं और साड़ी खरीदूं। फाइनली गाइस, जैसे कि आपने देखा, दीपू ने दिखाया कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, और नितेश गए हैं गाड़ी लेने पार्किंग में से। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया कि हम अपनी गाड़ी घर के आगे नहीं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, और खड़ी है तो नितेश की पहले वाली गाड़ी खड़ी है, जो आपने देखी होगी शायद वीडियोस वगैरह में, जो पहले हम जब मिलते थे चुप चुप के तो घूमते थे इसी में, तो वो वाली गाड़ी गली में खड़ी करते, बिकॉज गली में ना ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, और ना फिर बाजार लगता है, तो पूरा गाइस पता है क्या कि मतलब सामान लाने वाले वाला ना मतलब स्क्रैचेस वगैरह कर देते हैं। तो इसीलिए नितेश ने वो स्कूल में पार्किंग ली है अलग से, और पार्किंग में खड़ी करके आते हैं, और उसके बाद फिर इसीलिए थोड़ा 5 मिनट का ही रास्ता है। तो अभी नितेश गाड़ी लेने गए हैं, फिर वो गाड़ी लेकर बाहर आएंगे, फिर वो मुझे कॉल करेंगे, फिर मैं बाहर जाऊंगी। वैसे सच्ची बताना गाइस कि मैं कैसी लगी हूँ, ठीक है, साड़ी में, फिर मैं और साड़ी लूंगी। वैसे तो आई होप कि मैं अच्छी लग रही हूँ। फाइनली गाइस, नितेश गाड़ी लेकर आ चुके हैं, और हम गाड़ी में बैठ गए, बस निकल रहे हैं। और गाइस, हाँ नितेश ना नया फोन लेके आए गाइस, 12 प्रो मैक्स है ना, कितना कौन सा आई फोन, अच्छा 13 प्रो है, ये यहाँ सेम लगते हैं ना, हम कुछ पता नहीं चलता। हाँ तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन नितेश, सच्ची में, और पार्टी कहाँ है,
बता नहीं देंगे। नितेश नया फोन लेके आया सच्ची में, 13 Pro Max, गाइस 13 Pro Max, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी है ना, घर जाके वापस घर आके दिखाएंगे आपको, तब तक आप व्लॉग एंजॉय कीजिए है ना, है ना नितेश। हम आपको घर आके दिखाते हैं 13 Pro Max नितेश का फोन, तो मिलते हैं आपसे वहां जाके। ओके हम निकल चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर। और हाय, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो आप? हमारा वेट कर रहे थे बहुत बहुत देर से, वेट कर। हम कितने बजे पहुंचे? 9:30 हम 8:30 बजे पहुंचे, और आधा घंटा हो चुका, हमने चाय वगैरह पी लिया, अब लगा दिया दीदी ने खाना, हम खाना जाके कैब हो रहे हैं। नहीं मैं इनको रोकूंगी, भेजूंगी नहीं, हम जा रहे हैं। मम्मी का कॉल आ गया, मम्मी से झूठ बोल रही है कि हम, मैं रोक ली। मम्मी कहती मम्मी इतने बहाने कर दिए, नहीं वो कपड़े भिगो के गई हुई है ये। नहीं गाइस हमें जाना है ना, हम नहीं जाने देंगे। चलो गाइस हम आपसे बात करते खाना का। तो फाइनली गाइस हम वहां से निकल चुके हैं, हम ज्यादा देर नहीं रुके, हम पहुंचे, चाय वाय पी, और फिर दीदी ने फटाफट खाना डाल दिया, हमने खाना खाया, और खाना खाते दीपू वही रुक गई, गाइस दीपू वही रुक गई, और हम निकल आए, क्योंकि फिर टाइम 10 बज गए ना, 10 बज चुके हैं, तो फिर लॉकडाउन का टाइम हो जाता है ना, तो जो चौकी थाने बंद भी होंगे ना, वो भी खुल जाते हैं ऐसे टाइम पे, तो इसीलिए गाइस हमें निकलना पड़ा। तो अब हम जा रहे हैं घर, और ये तो ब्लॉग इतना ही सारा था गाइस। वहाँ पे पता क्या था कि ना, मतलब दीदी का वही लगी हुई थी, तो वहाँ पे ज्यादा बना नहीं पाया, और वहाँ के लिए बस इतना ही ठीक था। दीदी जब कभी घर आएगी रुकने के लिए, हम तब ब्लॉगिंग करेंगे अच्छे से दीदी के साथ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी अभी सरप्राइज बाकी है ना, नितेश का 13 जो नितेश 13 लेके आए हैं, वो दिखाना बाकी है, वो हम घर जाके दिखाते हैं। खाना वाना हमने खा ही लिया, मम्मी वगैरह ने तो खा ही लिया, वो उनको पहले ही पता था कि हम खाना खा के आएंगे, तो उन्होंने भी खाना खा लिया होगा खाना, क्या टंग स्लिप हो जाती है दीपू वाली बात है ना, खाना खा लिया होगा। वैसे गाइस हमें सुबह आना था, इतना सज के है ना, अभी किसने देखा, देखना थोड़ी देर के लिए इतना सब तैयार हुई और ऐसे ही रह गया, चलो रील्स बना लेंगे घर जाके ना। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे अब घर जाके। गाइस गुड मॉर्निंग, तो मैं उठ चुकी हूँ, कितना टाइम हो रहा है नितेश? 10:30 हो रहे हैं, आज तो फिर भी हम जल्दी उठ गए है ना, जल्दी है। 10:30 हो रहे हैं और हम उठ चुके हैं। कल तो गाइस मैं इसलिए नहीं उठी थी क्योंकि कल मुझे बहुत ज्यादा ही पेन था। हाँ डॉक्टर के पास भी तो जाना है, तो गाइस अब मैं उठ चुकी हूँ और मैं सीधा पहले जा रही हूँ नीचे, क्योंकि झुमकी आंटी आ चुकी है, वो काम कर रही हैं, और मैं चाय नाश्ता वगैरह देखती हूँ ना कि नीचे का क्या सीन है। चलो फिर मिलते हैं आपसे नीचे। मासी को नीचे और झुमकी आंटी आ चुकी है, हेलो करो आंटी, हेलो करो, हेलो करो गाइस। मम्मी कर रही है पूजा और पापा कर रहे हैं ब्रश, और अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा फिलहाल, अपन सो रहा है, दीपू तो वहीं रुकी हुई है, और ये हाल देख सकते हैं आप। हमने इनका नाम प्यार से झुमकी रखा हुआ है, वैसे इनका असली नाम है निर्मला है ना, तो गाइस इनका नाम है निर्मला आंटी, तो हाय तो कर दो एक बार, हेलो कर दो, हेलो कर दो ऐसे, हेलो बोलो कैसे हो, कैसी हो गाइस। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मैं पहले नीचे जाती पहले चाय बनाती हूँ, और कभी नहीं उठ पाती तो मम्मा बना लेती हैं, तो कभी मतलब बहुत रेयर। बाकी वैसे मैं आज गई थी, आज क्या था कि आज एयरटेल वाले, मतलब आज हमारा वाईफाई लग रहा है, जो एक्साइटल अब हम चेंज करा रहे हैं, तो एक्साइटल चेंज करा के हम एयरटेल लगवा रहे हैं, तो भैया आ गए थे, अब वो 2 बजे एयरटेल लगाने, मतलब वाईफाई लगाने आएंगे एयरटेल वाला, तो मैं नीचे गई थी चाय बनाने के लिए, मम्मी ने ऑलरेडी चाय बना के केटल में डाल रखी थी अपने लिए, मतलब कि गर्म रहेगी, और मैं मुझे लगा अभी तक चाय बनी नहीं है, तो मैंने चाय दोबारा बना दी, मम्मी कहती हो क्या कर दिया, दोबारा चाय बना दी, मुझे क्या पता केटल में डाल के आपने कमरे में भी रख ली, तो कोई बात नहीं, वैसे ब्रेकफास्ट करेंगे गाइस, बहुत चाय पीते हैं सब, मतलब डबल डबल चाय पीते हैं सब यहाँ पे, और मतलब ये है कि खाना पीना तो ठीक है एक बार चलता है नहीं चलता, लेकिन चाय का पतीला नहीं हटना चाहिए गाइस। तो बस यही था कि मैंने चाय बना ली थी, फिर मैं नहाई, अब मैं नहा के जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट बनाने, तो चलो दिखाती हूँ मैं। नीचे आ चुकी हूँ और दशा बैठे हैं, सो के उठे हैं, बस मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ।
सब मैं बनाने जा रही हूँ परांठे, और अगर आपको भी मेरे हाथ के परांठे खाने हैं तो सबसे पहले ऐसे नहीं फोकट का नहीं खाने का, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, व्लॉग को पूरा देखना, उसके बाद मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथ के परांठे पक्का। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 10K करा दो गाइस, सच्ची में मैं भंडारा कर दूंगी मतलब आलू के परांठे बनाने का। अभी मैं आलू के परांठे नहीं बना रही हूँ, आज मैं सिंपल परांठे बना रही हूँ, क्योंकि दो दिन पहले मैंने आलू के परांठे बनाए थे, अब दो दिन का गैप देके फिर आलू के परांठे बनाऊंगी, तब मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। ये देख लो जी कौन से टाइम के परांठे बन रहे हैं। टाइम क्या, उठते ही इस टाइम है तो क्या करेंगे। कितने बजे तक बनेंगे? 12 बजे, आधा दिन निकल चुका है। गाइस ये उठते ही इस टाइम में मैं क्या करूं, बनाने वाले लेट उठते हैं। गाइस ये खुद भी इस टाइम मम्मी इसलिए जल्दी उठ जाती है क्योंकि झुमकी घंटी आती है 10 से 10:30 बजे के बीच में। भूख लग रही है, जल्दी जल्दी करते काम बस। तो गाइस अगर आपको भी मेरे हाथ के पराठे खाने हैं ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल चुका जला नहीं है वो, क्रिस्पी गाइस, क्रिस्पी नहीं गाइस, मुझे क्रिस्पी परांठे खाने की आदत है ना तो मैंने भी क्रिस्पी परांठे खिलाती हूँ। गई जला नहीं है, देखो ये सच्ची में क्रिस्पी परांठे बन गए। ठीक है गाइस, आप सोच सकते हो कि मैं अपने को कुछ भी नहीं करती थी, यहाँ इतना तो कर दी ना आगे। सब्जी रखी है? यस, कि मैं इनके लिए मतलब इनके लिए सबके लिए गाइस बना दो यार, ऑफिस जाना लेट हो रहा है। ओह माय गॉड गाइस, मैं उठ के जल्दी उठ के सबके लिए परांठे बनाती हूँ, है ना, जल्दी उठ के। यस, 12 बजे जल्दी उठ के। 12 बजे मैं उठी नहीं हूँ नितेश, अरे मतलब परांठे बना रही हूँ 12 बजे उठ के। मैंने पहले चाय बनाई, उसके बाद मैं पानी लगाया, फिर मैं नहा के आई, मैं तैयार होके आई, उसके बाद अब परांठे बना रही हूँ। अरे 2 बजे खाएंगे हम लंच? नहीं बस बन गए, उसे गैस 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 ये गैस थोड़ा सा खराब है गाइस, ये बहुत जल्दी तेज हो जाता है, तो इस वजह से मेरे परांठे ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। कुरकुरे कुरकुरे परांठे हैं? हाँ ये कुरकुरे परांठे हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको भी मेरे हाथ के कुरकुरे परांठे खाने हैं तो आप कभी आइए, है ना। वैसे सच्ची बता दो, चलो मैं थोड़ी सी तारीफ कर दो कि मैं कैसे परांठे बनाती हूँ। अच्छे पतले पतले पर मतलब मैं, हाँ चलो ये वाली बात तो बताओ, पापा वाली की, पापा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि ये थोड़ी देर तक अगर परांठे रख दे मतलब थोड़ा लेट खाए बना के रख दे तो परांठे कैसे हो जाते हैं? पापड़। हाँ क्योंकि गाइस पता क्या है कि मैं बनाती हूँ पतले परांठे और थोड़े क्रिस्प कर करारे कर देती हूँ सच्ची में, तो वो ना बीच में से ऐसे हो जाते हैं ना, जब उसको अगर थोड़ी देर रख देते हैं ना मतलब अगर थोड़ी देर जिसके मन ना हो खाने का तो रख देगी, बाद में खाऊंगा तो बाद में उठा दूंगा, परांठे ऐसे कड़कड़ बोलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करकरारे हो जाते हैं, तो फिर इसलिए पापा बोलते हैं कि आई ये तो मैं परांठे या पापड़ खिलाती है। हाँ तो गाइस हम सब ने नाश्ता कर लिया है और नितेश गए हैं कहीं बाहर काम से, उन्हें कुछ काम था तो वो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक, और मैंने नाश्ता कर लिया। नीचे तो गेस्ट आ गए हैं, मैं नहीं जानती बट कोई गेस्ट आए हैं, तो मैंने तो नाश्ता कर लिया, पापा जी ने कर लिया था, मम्मी और अर्पण रह गए थे, मैंने परांठे बना के रख दिए खा लेंगे। लेकिन गाइस मेरा ना बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गंदे वाला बहुत क्रेविंग हो रही थी कचौड़ी खाने की, सैटरडे संडे को हो गया था कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन हो गया था, तो अब मैंने मंगाई है कचौड़ी। गाइस पता है यहाँ की जो कचौड़ी ना बहुत टेस्टी है, आप देख सकते हैं इसकी जो सब्जी है ना गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ये फेमस भी है यहाँ की, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर दो दिन बाद मतलब मैं खाती रहूँ। बट ऑफकोर्स मुझे मतलब बहुत लेट मतलब मिलती है नहीं, कोई ला के ही नहीं देता क्योंकि हम लेट उठते हैं और 12 बजे के बाद ना मतलब नहीं मिलती है, लेकिन आज ट्राई किया मैंने, नितेश तो चले गए थे, मैंने अर्पण को भेजा और मतलब मेरी किस्मत देखो कि मिल गई है ना, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था तो मुझे मतलब मिल गई खाने के लिए। वैसे मैं दो परांठे खा चुकी हूँ बट मैं यही खाने वाली हूँ,
सच्ची में गाइस, आप कभी भी अगर नजफगढ़ आओ, मुझे नहीं पता ये कहाँ मिलती हैं, क्या कहाँ, मतलब इन भैया का नाम क्या, जो भी है वट एवर, बट ये है कि आप कभी भी आओ। चलो मैं फिर आपने तेज से पूछ के आपको बताऊंगी कि ये कहाँ मिलती है, किन की है, तो आप भी आओ ना अगर यहाँ, तो इनकी कचौड़ी जरूर ट्राई करना अभी कभी आप नजफगढ़ आओ तो। बाकी अब मैं खा लूँ वरना ठंडी हो जाएगी, और मैं चलाती हूँ टीवी, तो क्राइम पेट्रोल देखते हुए, क्राइम पेट्रोल देखते हैं और फिर खाते हैं, तब तक नितेश भी आ जाएंगे। नितेश आ चुके हैं, मैंने उनके लिए नाश्ता, मतलब उन्होंने दोबारा आके खाना खाया क्योंकि उनको भूख लग गई थी, तो मैंने उन्हें खाना दिया और मैंने सबके लिए रोटियां बना के रख दी हैं, जिसको भूख लगी खा लेंगे, पापा वगैरह, मम्मी वगैरह। और मेरे ना बहुत दिन से मैं नितेश के साथ, पता है उस दिन तो मेरी लड़ाई भी हो गई थी कि मुझे मेरे सूट खत्म हो गए, मतलब खत्म क्या है, एटलीस्ट जो मैंने नए सूट थे मैंने सारे पहन लिए, ए टू जेड टोटली पहन चुकी हूँ मैं घर में सारे, इधर उधर आने जाने में, अब मेरे ना सूट खत्म, मतलब पहन के खत्म कर दिए मैंने, तो अब मुझे नए सूट पहनने की थोड़ी बोल, मुझे नए सूट पहनने हैं, तो बहुत सारे रखे हैं मतलब, पर वो सिलने के लिए डालना है, स्टिच होने के लिए। तो मेरे टेलर जो है, जो जिससे जिनसे मैं घर पे बनवाती थी ना मास्टर जी, वो ये है कि वो उनकी वहाँ पे, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, और जो उनका घर है ना वो यहीं पे है नंगली में, नंगली डेली है नजफगढ़ में यहीं है, तो वो वहाँ रहते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया कि मैं, मुझे सूट देने थे मास्टर जी, अब मैं वहाँ से तो सिलवा नहीं सकती, तो फिर कहते हैं मास्टर जी कि कोई बात नहीं, तू ना मेरे घर पे दे जाया कर, मैं यहाँ से तुझे बना के यहीं से दे दिया करूँगा। मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छा है। तो मैंने नितेश से इतने दिनों से बोला हुआ था कि यार चलो चलो चलो, पर नितेश तो जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे, अब फाइनली उन्होंने खुद से बोला कि चलो चलते हैं, आपके सूट दिलवाया हूँ, तो मुझे बात हजम नहीं हुई। तो अब मैं जा रही हूँ अपने सूट डालने के लिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं सूट डालने, और गाइस हम स्कूटी पे आए हैं क्योंकि ज्यादा दूर था नहीं, और गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में, कौन ले जाए इतने वो करें, और गाइस मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि नितेश ने मैं ऐसे एक साइड करके बिठा दी हूँ, जो कि मैं अपनी लाइफ में ना ऐसे कभी भी नहीं रहती हूँ सच्ची में, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये जबानी कैसे ऐसे, मतलब बैठती हूँ मुझे ऐसे, और ये हम ऐसे बैठे गाइस, मुझे डर लग रहा है, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं पकड़ पा रही हूँ, तो मैं आपको आगे जाके मिलती हूँ, कभी मेरा फोन ऐसी कोई छीन के ले जाए है ना, नहीं तो मेरा फोन हाथ से ही गिर जाए बहुत ज्यादा। मिलते हैं आपको आगे जाके, अपनी एंटी है ना एंटी। हाँ अभी बर्तन करने जाऊंगी। ठीक है, और बताओ कैसे हो आप? ठीक है, घर पे सब ठीक? सब ठीक है, मेरे बच्चे को बुखार लगी है। तो अच्छा चलो दवाई गोली खिलाओ उन्हें। ए इतने क्या बना रहे तू, मेरे मोबाइल पर जाएंगे तो कहेंगे तू क्या बकवास कर दिया। आपका इतना सुंदर नाम है, आपका नाम इतना सुंदर है निर्मला, आप झुमकी क्यों रखा आपका नाम? ये देख लो तो सीमा भाभी, अच्छा पूरे मोहल्ले सॉल्व कर दिए। अच्छा चलो ऐसे बोल दो बाय गाइस, बाय गाइस, ऐसे करके बाय गाइस, बाय गाइस। ओके तो चलो गाइस अब मैं व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, और अब हम कर रहे हैं नितेश के फोन की अनबॉक्सिंग। अपनी धड़कने थाम लीजिए, अपना दिल थाम लीजिए, अपना सब कुछ थाम लीजिए, ये देखो नितेश का आईफोन अनबॉक्सिंग हो रहा है, 13 Pro Max। कैसा लग रहा है, पहले बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा एक मिनट, एक मिनट जाओ, मुझे तो धक धक हो रही है, एक मिनट रुक जाओ ना, क्या जल्दी हो गया आपको, पहले थोड़ी बात कर लो ना, मुझे धक धक हो गया, मतलब 13 लोगों का वो क्या होगा, अरे यार मत करो यार, दुनिया उजड़ जाएगी, दुनिया उजड़ जाएगी। आपने, आप मुझसे ज्यादा फोन बड़ा क्यों लेके आए पहले बताओ? 11 ले आते, 12 ले आते खाली, 13 प्रो मैक्स लाने की क्या जरूरत थी आपको? एक मिनट, धीरे धीरे से अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइज ब्लैक कलर लाया, ब्लू? तो गाइस एक मिनट अपनी थाम लीजिए, चलो नितेश कर रहे हैं फोन की अनबॉक्सिंग। तो गाइस चलो अब ये डब्बा खोल रहे हैं, नितेश कैसा लग रहा है पहले तो बता दो आपको? आप तो 2 दिन से यूज ही कर रहे हो वैसे ना, सब कुछ चल रहा है, इसमें इंस्टा वगैरह चला रही, डाउनलोड कर लिया आपने? चलो दिखाओ गाइस, ये देखो अपना 13 Pro Max लेके आ चुके। कैमरे वगैरह फीचर्स अच्छे लगे आपको? 12 से अच्छे इसके कैमरे, फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा इसका, जो मेन चीज है ना इसकी, ये तो पबजी से भी अच्छी गेम है यार, है ना? गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये व्लॉग पूरा देखना क्योंकि लास्ट में ही नितेश के फोन की अनबॉक्सिंग हुई है, तो आप भी देख सकते हो कि 13 Pro Max 12 Pro से अच्छा है या नहीं, है ना, फीचर्स वगैरह, क्योंकि नितेश ने सब कुछ दिखा दिया आपको, अच्छे से बताया।
गाने तो सुना दे, इसमें गाने भी डाल दे। अच्छा इसमें गाने भी हैं, मतलब वो स्पॉटिफाई तो गाइज नितेश ये फोन लेके आया अपना 13 Pro Max, इसका नाम ही नितेश ने 13 Pro Max लिख दिया है ना, नितेश ने इसका नाम ही 13 Pro Max रख दिया है। और व्लॉग की करते हैं हम एडिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। आया इसके अंदर ये। अच्छा इसी के अंदर। अच्छा इसी के अंदर आया, इसी के अंदर आएगा जी। तो चलो गाइस, दुकान वाले ने इनको निराश नहीं किया। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो इसी के लिए अभी तक टाटा, बाय बाय, अलविदा, बाय बाय।